गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टॉक अबाउट चैप्टर 7, मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो व्हाट इज मल्टीपल्स, देन आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक मल्टीपल्स। सो नाउ व्हाट इज मल्टीपल्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। When, जब हम किन्हीं दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट यानी आंसर आता है वो उसका उसी नंबर का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 यानी कि हमारे जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं, 2 और 3, तो इक्वल 6। 6 हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 2 और 3। तो जो हमारा ये 6 आंसर आया है वो हमारे दोनों 2 और 3 का मल्टीपल होगा, या 2 × 3 = 6 कर लीजिए, या 3 × 2 = 6 कर लीजिए, तो बट 6 इन दोनों का होगा क्या, मल्टीपल। एंड दस द मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद एनी नंबर और द प्रोडक्ट्स ऑफ अ नंबर विद द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनाइट आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। जब हम किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो उसके मल्टीपल हमारे पास आ जाते हैं। जब हमारा मल्टीपल होता है यानी कि जब मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं दो नंबरों को आपस में, जो उसका प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबरों का मल्टीपल होता है, चाहे वो जितनी भी काउंटिंग करते चले जाएं आगे, 1 × 2 × 3 × 4 × ∞ यानी अनंत की, जिसका कोई अंत ना हो। फॉर एग्जांपल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, अब यहाँ पर पूछा गया नंबर 2 का, 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। देन 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 28, 26 एंड मोर देन नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स 2 यानी कि हमारे 2 के जो मल्टीपल होंगे वो हमारे 2 के टेबल ही होगा, यानी कि 2, 2 हमको जंप करते हुए चले जाना है सिंपली। तो जितने हमारे काउंटिंग में नंबर आएंगे 2, 2, 2 के अकॉर्डिंग, वो सारे हमारे 2 के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल ऑफ 3 आर, अब 3 के टेबल में जितने नंबर आएंगे जहाँ तक आप चले जा सके वो सब हमारे क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक। एंड द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, एज यूजुअल अकॉर्डिंग 2 और 3 कि जितने भी 5 के टेबल में मल्टीपल आएंगे, नंबर आएंगे, काउंटिंग आएंगी, वो सारे हमारे 5 के मल्टीपल होंगे। द रूल ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लाई एक नंबर होता है, इक्वल द नंबर एनी नंबर एंड एनी काउंटिंग नंबर, मल्टीप्लाई एनी काउंटिंग नंबर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल निकालने हैं। एग्जांपल फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, अब हमको यहाँ पर 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालने, तो 4 मल्टीपल निकालने, तो एज यूजुअल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 3 के जाने तो 3 × 1 = 3, सबसे पहले तो वही होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, 3 × 2 = 6, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो हमारे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। पॉइंट नंबर 1, आ नंबर कैन हैव इनफिनाइट मल्टीपल्स। एज यूजुअली जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी भी नंबर का बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, तो इन्फिनिटी मीन्स अनंत, कि जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि गिनती आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। देन इट मीन्स दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ द मल्टीपल्स वी कैन गेट बिकॉज वी कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। इट मीन्स दैट देयर इज नो लिमिट, विदाउट लिमिट ऑफ मल्टीपल्स वी कैन गेट बिकॉज वी कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर हमको मिलते जाएंगे, जिससे इनकी कोई लिमिट नहीं है। पॉइंट 2, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, फॉर एग्जांपल 1, 1, 1 × 1 = 1,
वन मल्टीप्लायर टू इक्वल टू वन मल्टीप्लायर थ्री थ्री, ठीक है ना। सारे नंबरों का मल्टीप्लर नंबर एक ज़रूर होगा। पॉइंट थ्री, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल टू वन ज़ा टू, थ्री वन ज़ा थ्री, फोर वन ज़ा फोर, यानी कि जो पहला और सबसे छोटा मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का वह खुद होगा नंबर इटसेल्फ, यानी वह स्वयं होगा अपने नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल और सबसे पहला भी। देन पॉइंट फोर, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजल बाई इट। फॉर एग्जाम्पल टू ट्वेल्व, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, ठीक है ना, इस तरह चला जाएगा। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का एक मल्टीपल एग्जैक्टली डिविजल बाई इट, वह खुद से या उसके मतलब जो मल्टीपल नंबर होंगे उनसे वो डिवाइड हो जाएगा। अब मान लिया जाए टू, अब ट्वेल्व दे दिया जाए, यहाँ सिक्स दे दिया जाए, तो सिक्स से ट्वेल्व डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, फोर से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जितने नंबर उसके मल्टीपल में आएंगे वो नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। पॉइंट फाइव, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर का हमको मल्टीपल निकालना है उस नंबर का कोई भी नंबर या तो शुरुआती नंबर उसके बराबर होगा या तो उससे बड़े ही नंबर होंगे, उससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई टू, तो टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, बट टू से छोटा कोई नहीं होगा, टू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है कॉमन मल्टीपल्स की। देन कॉमन मल्टीपल्स, अभी हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, अब पॉइंट है कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स दैट आर कॉमन टू टू और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो होते हैं कॉमन और टू मोर नंबर्स, यानी कि दो या दो से अधिक नंबरों को जो संख्याएं मिलती हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल होते हैं। जैसे दो नंबरों के हमको मल्टीपल निकालने हैं तो दोनों में जो नंबर मैच करेंगे वो हमारे कॉमन मल्टीपल होंगे, सिंपल। तो जैसे एग्जांपल फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स टू एंड थ्री, अब टू के हम पहले निकालेंगे टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटी, एटीन, अब जितने चले जाएँ, ठीक है। मल्टीपल अब थ्री, अब थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, एटीन, अब देखिए जो सिक्स सिक्स मैच कर रहा है, ट्वेल्व ट्वेल्व मैच कर रहा है, एटीन एटीन मैच कर रहा है, एंड आगे बहुत सारे नंबर मैच करेंगे, बट जो ये मैच कर रहे हैं नंबर ये होंगे हमारे क्या, कॉमन मल्टीपल्स। सो द कॉमन मल्टीपल्स आर टू एंड थ्री, सिक्स, ट्वेल्व, एटीन, सिक्स, ट्वेल्व एंड एटीन, ठीक है। अब इसी तरह ये, तो टू चेक वेदर द बिगर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलर नंबर। मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 92 ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 8, देन एग्जाम्पल इज 92 अ मल्टीपल ऑफ 8, क्या 92 8 का मल्टीपल है। अब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बड़े नंबर होंगे हमसे इकट्ठा पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो लेटेस्ट डिवाइड हम 8 से 92 को डिवाइड करेंगे, अगर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है नंबर, देन कि द नंबर 92 इज मल्टीपल ऑफ 8। इफ इज नॉट डिवाइडेड द कम्प्लीटली डिवाइडेड टू 92 ऑफ 8, देन 92 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। सो तो इसमें देखते हैं कैसे हुआ, देखिए 8 से 92 को डिवाइड किया गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो दैट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ नंबर 8, एनी नंबर। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। सो आप ये सब केयरफुली लर्न करिए, रीड करिए, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़िए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ, और पीछे वाले टेस्ट सीरीज सारी कंप्लीट कर लीजिए, टेस्ट योर स्किल ये वो जितना पार्ट है कंप्लीट कर लीजिए, आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि नई नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें और आप देखते रहें, ठीक है।